आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी एयरटेल की सिम का डेटा ऑन है बट नेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। तो इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग में आएगा ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ये सिम वन आएगा, सिम टू आएगा, तो यहाँ पे आप जिस सिम में एयरटेल का सिम कार्ड है उस सिम कार्ड पर क्लिक करिए। हम क्लिक करेंगे सिम वन पे। उसके बाद ऊपर ये इनेबल आएगा, तो यहाँ पे अगर आपका ये इनेबल ऑफ है तो इनेबल पे क्लिक करिए और इनेबल को ऑन करिए। ये ऑन करने के बाद नीचे आएगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, तो इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर अगर आपका ये 2G 3G सेलेक्ट है तो आप 4G सेलेक्ट करिए, या फिर अगर आपका फ़ोन है 5G तो ऊपर आएगा ये 5G 4G 3G 2G ऑटो, तो इस पर क्लिक करिए, इसे सेलेक्ट करिए। बट अगर आपका फ़ोन 5G नहीं है तो यहाँ पे 4G सेलेक्ट करिए। ये करने के बाद नीचे एक्सेस पॉइंट नेम आएगा, APN आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर राइट में इन तीन डॉट पर क्लिक करिए। रीसेट एक्सेस पॉइंट आएगा, इस पर क्लिक करिए। नीचे रीसेट एक्सेस पॉइंट्स आएगा, इस पर फिर से क्लिक करिए। अब यहाँ पे ये रीसेट हो गया है, तो ये करने के बाद बैक आइए। नीचे ऑपरेटर आएगा, ऑपरेटर पे क्लिक करिए। ऊपर ऑटो सेलेक्ट आएगा, ये आपका ऑन है तो इसे बंद करिए। बंद करने पर नीचे ऑफ़ आएगा, इस पर क्लिक करिए, फिर से ऑफ़ करिए। अब ये नेटवर्क सर्चिंग लेगा, तो कुछ सेकेंड वेट करिए। अब जब आपका ये सिम कार्ड अपने आप एयरटेल 4G सेलेक्ट करेगा, उसके बाद ऑटो सेलेक्ट ऑन करिए। तो यहाँ पे अभी ऑन करने के बाद बैक आ जाइए। अब बैक आने के बाद अपने फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए। नीचे आने पर ये एडिशनल सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद और नीचे आइए, यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट आएगा, तो बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करिए। यहाँ पर रीसेट फ़ोन आएगा, तो रीसेट फ़ोन पर क्लिक करिए। ऊपर आएगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करिए। तो अब अपने फ़ोन का पासवर्ड एंटर करिए और नीचे रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करिए। ये करने से कोई आपका डेटा या फिर कुछ आपके फ़ोन से डिलीट रीसेट नहीं होता है, बस आपके फ़ोन की वाईफाई ब्लूटूथ और मोबाइल नेटवर्क डेटा सेटिंग्स रीसेट होती है। तो ये हमने पहले से कर लिया है, तो इसे कैंसिल करेंगे, बैक करेंगे। तो ये सारी अब सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पे बैक आ जाइए। उसके बाद अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए और अब चेक करिए आपके फ़ोन में एयरटेल सिम का डेटा काम कर रहा है, डेटा ऑन है और चल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।